अबे शिमला के रोडों में आए क्यों हो फिर तुम? एक्सीडेंट हो गया यार यहाँ तो। अरे रे पता नहीं कैसे कैसे बेवकूफ इंसान लोग हैं, शिमला में आ गए। शिमला में गाड़ी चलाने की भी तमीज है तुम्हें? तेरी अबे तेरी डिफेंडर। कैसे हैं आप सभी? आज एक बहुत ही अच्छी सुहावनी दोपहर हो रही है और अभी मेरे पास है यहाँ पर डिफेंडर, रेंज रोवर डिफेंडर दोस्तों, और अभी मैं ऑफ रोडिंग करने के लिए यहाँ पर जो है निकलने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो ठीक है। तो चलो ये रही अपनी दोस्तों यहाँ पर डिफेंडर, अमेजिंग का मज़ा आ गया ठीक है ना। इसका इंटीरियर कुछ इस टाइप का नाइस, अपने डिफेंडर का इंटीरियर। चलो हो गई स्टार्ट। हाँ वैसे सही तरीके से हुई है ना। नाइस, काफी अच्छी लग रही है गाड़ी। चलिए अब इसको लेकर चलता हूँ बहुत प्यार प्यार से। तो दोस्तों यहां से गाड़ी निकाल लिए, आज हम जाने वाले खतरनाक ऑफ रोडिंग करने के लिए। नाइस, जिस हिल स्टेशन पर हम आए हुए थे यहां से निकल गए हम। कुछ गायें वगैरह भी हैं दोस्तों, आराम से चलता हूँ, बहुत मजा आएगा आज की ड्राइविंग पे तो दोस्तों बहुत ज्यादा। आराम से यार, मुझे तो ना वैसे नीचे खाड़ी में ही तो जाना है ना, नीचे की ओर चलेंगे, वहाँ बहुत ज़्यादा नीचे मज़ा आएगा दोस्तों। ऊपर मैं आपको ना कल लेकर चलूँगा, ऊपर वहाँ पहाड़ है, उधर तो दोस्तों बर्फीला इलाका है ठीक है। फिलहाल आज हम जो है नीचे की ओर चलते हैं, बर्फीले इलाके में दोस्तों स्नो में भी काफ़ी मज़ा आएगा, स्नो में चलते हैं। चलो चढ़ाई पर बहुत आते हैं। अरे वो शिफ्ट वाले भैया थोड़ा सा वेट करना, वेट करना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई, कह रहे हैं ना रुक जाओ यार, पहले इतनी पतली पतली सड़कें हैं तुम फिर निकल रहे हो यार। हाँ अगर जरा सी डिफेंडर में मेरी लग जाता ना इसकी ऐसी तैसी, इसको तो फिर बताता मैं। चलो जाओ तो भाई कहाँ घुसेड़ रहा है उतरी भाई, लगता है इसकी गाड़ी में तो हो गया दोस्तों तो कुछ हो गया भाई बंदे गाड़ी में कुछ। नाइस, हम तो निकल गए भाई, ऐसी कोई दिक्कत तो मुझे तो लगी नहीं, मुझे कुछ नहीं लगी, मैं तो बहुत प्यार भरे तरीके से निकल गया भाई। आराम से भाई, सेकेंड लाइन दो लाइन रोड है भाई, चढ़ाई पर क्या गाड़ी फिर चल भी रही है? क्या हुआ चाचा, तुमने गाड़ी क्यों रोक रखी? बे चल ले यार, एक तो ट्रैफिक पहले ही इतना ज्यादा है भाई साहब, यहाँ पर लैंडस्लाइड वगैरह होती रहती है दोस्तों। एक ही चच्चा की समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे चला रहा। ओ भाई रुक जा यार रुक जा। ओ अगला जो बुढ़ा जा रहा है ना उसकी वजह से गलती हुई है। लग गई क्या?
इन्हें पहले ही गोंद मार दो यार, कुछ ना कुछ लक्की गिरा ना दोस्तों, मेरी डिफेंडर में से आवाज आई थी ना। कहां से मोड़ रहा था बेवकूफ इंसान। चलिए भाई नाइस, ऐसे ऊपर को भी रास्ता जा रहे हैं यार। दोस्त इस बुड्ढे से मुझे आगे निकालनी पड़ेगी भाई गाड़ी को। ये स्विफ्ट वाले भैया आ गए अब। अब तो रोड थोड़ा चौड़ा हो गया है। चलो यार दोस्तों अच्छा किया मैंने ओवरटेक कर लिया। चलो नाइस, क्या बात है। थोड़ा स्लो ही स्लो चलाऊंगा भाई मैं, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करने वाला भाई मैं। पहले ही यहाँ पर इतने खतरनाक तरीके से अपनी गाड़ी चल रही है और मैं यहाँ पर और खतरनाक सीन पैदा नहीं करना चाहता। आराम से चलो भैया, क्या हुआ। अबे भाई स्विफ्ट चलती नहीं है तो पता नहीं लोग बाग क्यों लेकर आते हैं यार यहाँ पर। ब्रेक मारता हुआ मैं तो आराम से। जबकि मेरी गलती नहीं थी, सामने से आकर ठोक दिया बेवकूफ इंसान ने। अरे यार डैमेज हो गया दोस्तों, थोड़ा तो लगा ही है यार। चलो कोई नहीं, अब इन लोगों से दोस्तों लड़ूंगा थोड़ी ना यार यहां पर बैठकर। पहाड़ों भाई तेजी से, जितनी अच्छे से तेजी से ड्राइविंग हो जाए ना भाई वो उतना अच्छा है। गाड़ी तब तक तो नॉर्मली चलती रहती है जब तक इसकी टर्बो नहीं खुलती। चल भाई आराम से, ये की मैंने इसको ओवरटेक लग गई भीड़। वैसे ऐसी भीड़ का क्या हुआ, मैं तो निकाल ही लूंगा। बे शिमला के रोडों में आए क्यों हो फिर तुम। ये स्विफ्ट वाले को मैंने बहुत बार यहाँ पर रुकता हुआ देख लिया दोस्तों। क्या खतरनाक रास्ता है, हमें देखनी है स्नोफॉल। ये लोग रुके हुए हैं यहाँ, क्या खतरनाक रास्ता है भाई ऊपर का दोस्तों। ये तो चेक करें आप, आराम से। मैं तो भाई बहुत प्यार प्यार से चल रहा हूँ। अबे चल यार रुक जा, तेरे से पहले मैं निकाल लूँ क्या, पता नहीं। ये देखो डिफेंडर को तुम देखोगे ना बहुत प्यार प्यार से चलती रहती है और जैसे ही टर्बो खुलती है ना इसके एकदम झटका मार दिया। देखो चली, ये मारेगी झटका। ब्रेक पैड भी इसके गरम हो गए गाड़ी के मेरी। बस कुछ
कुछ ही पलों में वो हम ऊपर पहुंचने वाले हैं आराम से। यहाँ पर भाई साहब इतने खतरनाक रोड पर लोग बागों ने यहाँ पर भी तो इतना ट्रैफिक लगा रखा है। किसी बंदे की गाड़ी अच्छी होती है भाई, किसी की नहीं होती भाई। ये लगा दी भीड़ इन्होंने, उतरी एक्सीडेंट हो गया यार यहाँ तो। अरे रे बे भाई कुछ करो ना यार, ये तो कुछ करेंगे नहीं, रुक जाओ। आगे जमा है क्या इसके, है तो इसकी गाड़ी कहाँ चढ़ने लायक है। छोड़ो अभी तुम ना खड़े हो यहाँ पर, मैं चलता हूँ तब तक। डिफेंडर तो निकल गए भाई, उतरी भाई ये बंदा तो दिखाई नहीं मुझे बिल्कुल भी। और ये स्विफ्ट वाले तो कभी कभी दिखते भी नहीं। मेरी गाड़ी का बैलेंस आउट ना हो जाए। सही नहीं, मैंने यहाँ पर ओवरटेक मारा। खैर दोस्तों मैं बर्फबारी में पहुंच गया, बस ऊपर ही बर्फ के पहाड़ हैं, देखो पहुंच गए बस हम। दिक्कत की कोई बात नहीं है। मैं ब्रेक ले, ब्रेक मार लो, व्हाइट गाड़ी वाला तेज आ रहा है। अबे चल निकाल यार, स्विफ्ट वाला देखो दोस्तों पीछे कैसे मारने की वो कर रहा है। अबे रुक जाओ तुम्हारी ऐसी तैसी। लो मुझे पीछे होना पड़ेगा। तैयार रहता हूँ दोस्तों, चलो चलो चलो। तुम तो भी नहीं आ पाए। अबे हट यार, स्नोफॉल देखनी है मुझे। पता नहीं कैसे कैसे बेवकूफ इंसान लोग हैं, शिमला में आ गए। शिमला में गाड़ी चलाने की भी तमीज है तुम्हें? चलो दोस्तों अब हम चलते हैं यार आराम से। उत्तरी हाँ चाचा जी आराम से आ जाओ, मैं क्या। अभी डिफेंडर का कुछ नीचे से लग रहा है क्या यार? अभी नहीं, हाँ ऐसा है तो कुछ नहीं। गाड़ी वाला बस दोस्तों अब तो ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हम। उत्तरी ओए लगी क्या कहीं से, साइड से बम्पर लगा है। डिफेंडर को यहाँ लाना मतलब, अरे डिफेंडर को क्या अपनी किसी भी गाड़ी को यहाँ लाना यार। रुक जाओ, नाइस। जबकि मेरे ऊपर इतना जोर भी नहीं पड़ रहा क्योंकि गाड़ी ऑटोमेटिक है। बट दोस्तों जोर पता है किस बात का है, जोर इस बात का है कि स्टीयरिंग भी तो संभालना है और अपनी गाड़ी। ये बहुत होशियारी कर रहे थे, अच्छे तरीके से निकला दोस्तों। मैं तो यहाँ से निकला मस्त तरीके से। चलो ऊपर जैसे जाता जा रहा हूँ ना मोड़ और भी खतरनाक होते जा रहे हैं।
शिमला के अंदर बर्फ बहुत है, बट ना काफी ऊंचे जाना पड़ रहा है यार बर्फ को देखने के लिए, और मुझे ना टाइम से नीचे जाना, नीचे भी जाना पड़ेगा। देखो वेलकम हो चुका है, इधर थोड़ा सा रेस्ट एरिया है, रेस्ट एरिया भी नहीं बोल सकते, थोड़ी कैसे जैसे यहाँ पर जाम वाम लग जाता है ना, उसी हिसाब का बना रखा है। भाई जरा आराम से यार, वैसे दो गाड़ियों की निकलने की जगह तो है, अब तो रोड चौड़ा हो गया, नाइस एंट्री हो जाए, बस पहुंच गए फाइनली दोस्तों, फाइनली पहुंच गए यार। बे चलो ना ढिल्लो, ये रास्ता किधर जाता है? अबे हमें तो ऊपर जाना है ना बर्फबारी में। तेरी, अबे तेरी केट यार, अबे बर्फ के अंदर थोड़ा सा मैं ज्यादा ही चलो आगे रुकता हूँ यार। व्हील में अड़ रहा है भी सारा सामान यार दोस्तों, आया भी तो देख लो मैं कहाँ हूँ फिर दुनिया की दूर में। चल जाना उस कैसल वाले होटल पे था, चल एक बार होटल पे तो पहुंच जाए फिर ना कुछ तो करेंगे यार। अच्छा नीचे जाने का रास्ता है क्या? अबे एंड है क्या? वैसे यहाँ से निकल सकता हूँ मैं। अबे तेरी आराम से, ओ भाई गाड़ी के मेरी ब्रेक नहीं लग रहे, ओ भाई तेरी आराम से ब्रेक लगा, ये कहाँ फंस गया मैं? अबे तेरी, अबे तेरी मेरी गाड़ी का ब्रेक नहीं लग रहे, हो गया काम लगता है, हो गया। आया था डिफेंडर, हो गया इंजन भी लॉक्ड अप। ओ भाई डिफेंडर एक ऐसी जगह अगर गिरी है जहां से मैं मदद भी नहीं मंगा सकता, समझ गए, और गाड़ी तो टोटल लॉस है, कुछ नहीं बचा कार के अंदर, बंदा होता वो भी ना बचता, आए थे बर्फ देखने, देखा क्या सीन हुआ। तो हमेशा सतर्क रहें और सावधान रहें। खैर ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था, वीडियो अच्छी लगी तो कर दो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कर दो चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आप सबसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, खुश रहिए, बाय।